मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में सबसे पहले मेरिट्स पॉइंट uh, जो हैं पॉइंट्स लिमिटेड लाइब्रिटी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर्पचुअल सक्सेशन प्रोफेशनल मैनेजमेंट नाउ लिमिटेड लाइब्रिटीटेड लिमिटेड लाइब्रिटी मीन्स वही द शेयर होल्डर्स शुड नॉट पे द एक्सेस डेट ऑफ द कंपनी बाई सेलिंग द प्राइवेट और पर्सनल प्रॉपर्टी एंड दे आर लाइबल अप टू द इन्वेस्टेड अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई दैम इन अ कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मीन्स आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप कंपनी ज्वाइन करो या छोड़ो और किसी की अपनी मर्जी है इट्स परमिशन uh, की जरूरत नहीं है ना म्यूचुअल कॉन्सेंट की जरूरत है टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर्स जो ट्रांसफर करने होते हैं पर्पज टू सक्सेशन ऑब्वियसली इट हैज अपरेट लीगल असिस्टेंस द लाइफ ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाई डेथ दैसी इनसॉल्वेंसी ऑफ द मेम्बर्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट भले ही शेयर होल्डर्स यानी जो लोग हैं उन्होंने पैसा लगाया है लेकिन इसे मैनेज कौन करेगा प्रोफेशनल लोग करेंगे कंपनी चलानी भी तो है पैसा लगा के बैठना ही थोड़ी ना है पैसा तो कोई भी लगा देगा लेकिन ये कंपनी को चलाने के लिए एक स्किल्स की जरूरत होती है एक टैलेंट की जरूरत होती है ठीक है जो प्रोफेशनल मैनेजर्स को मैनेज करते हैं एंड सच मैनेजर्स आर अकाउंटेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाउ डीमेरिट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन न्यूमरस रेगुलेशन आर द सेम थिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन द सेंस इतना आसानी से इसका एस्टेब्लिशमेंट और रन नहीं हो सकता बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं ठीक है एक्सपेंसिव होती हैं ठीक है ठेके? नाउ लैक ऑफ़ सीक्रेसी लैक ऑफ सीक्रेसी इन द सेंस एनुअल जनरल मीटिंग में आपको बहुत सारी बातें अपनी रखनी होती है जो मेन डिसीजनस होते हैं कंपनी के, वो आपको पब्लिश करना होता है सो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ सीक्रेसी पॉइंट यहाँ पर uh, मतलब लैक ऑफ सीक्रेसी इसका एक लैकिंग पॉइंट सीक्रेसी यहाँ पर टूटती है बिकॉज मेम्बर्स uh, जुड़े हुए हैं लोग जुड़े हुए हैं uh, लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है लाइक है न तो द्लान पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द का जॉइंट ऑफ कंपनी आर ट्रांसपेरेंस बिकॉज दे आर डिस्कज इन दाउ डिले इन डिसीजन मेकिंग सी कोई सा भी काम आप करते हैं बिजनेस में कई, कई बार डिसीजन क्विकली लिए जाते हैं लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप डिसीजन इतनी आसानी से फटाफट नहीं ले सकते हो क्यों क्योंकि इसमें जनरल पब्लिक जुड़ी हुई है इतने सारे लोग जुड़े होते हैं जनरल पब्लिक वहाँ पैसा लगा हुआ है तो इसमें थोड़ा और ये जो डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग तो कई बार जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी होती हैं उसे हम ग्रैप नहीं कर पाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें फटाक से लेने पड़ती लेकिन उसमें हमें रिस्क लेता है हम डिले कर देते हैं तो हम कई बार वो अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं कॉन्फ्लिक्स ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें शेयर होल्डर्स हैं बैंकर्स हैं क्रेडिटर्स हैं एम्प्लॉयज़ हैं अगर एक ही पार्टी के इंटरेस्ट के बारे में बात की जाएगी तो दूसरी पार्टीज को तो चिंता हो कि नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर ओके सो दीज वर द मेरिट्स एंड डी पॉइंट्स स्टूडेंट्स सारे जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके समय मेरिट्स एंड डी मेरिट्स पॉइंट्स में कन्फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है आप एक बार उसका कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे देन यू विल गो थ्रू द फीचर्स फीचर्स से आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स पॉइंट्स पर समझ में आ जाएंगे इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके मेरिट पॉइंट क्या होगा या डिमेरिट्स क्या होंगे सो दैट्स ऑल फॉर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गनाइजेशन ही डन विद दिस चैप्टर